हाय दोस्तों, काल में बहुत दिनों के बाद टीवी में न्यूज़ चैनल ऑन किया। सोचा कि देश के कुछ हालत देख लेते हैं, कैसा चल रहा है, क्या क्या हो रहा है। तो जो मोहतरमा एंकर साहिबा थी, वो बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि आज देश के बारे में बात होगा। उन्होंने कुछ और पार्टी के प्रवक्ता को बुलाया था। तो वो प्रवक्ता में से एक प्रवक्ता बोल रहा था कि देश में क्या क्या गलत हो रहा है, चीज़ें गलत हो रहा है, ख़राब हो रहा है देश का माहौल। और दूसरी प्रवक्ता गिनवा रहा था कि क्या क्या अच्छा हुआ, क्या अच्छा हो रहा है और क्या क्या अच्छा होगा। यही तक तो मेरे को समझ में आ रहा था कि थोड़ा बहुत देश के बारे में बात हो रहा है। लेकिन कुछ देर बाद देखने मिलता है कि देश के बारे में बात करते करते वो लोगों ने अपने अपने घरों के बारे में बात करना शुरू कर दिया। एक एंकर ने बोल रहा था कि भारवे, तेरे घर में क्या चल रहा है हमको मालूम है, तू क्या करता है, तेरा कितना बीवी है। दूसरे एंकर ने कुछ और अपशब्द बोल दिया। तो ये सब देखते देखते तो मतलब कि हद तो तब हो गई जब एक एंकर ने जब एक प्रवक्ता ने दूसरा प्रवक्ता, जो घर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ा हुआ था, उनको एक गाली दे दिया। मैं इधर नहीं बताऊंगा क्या गाली दिया, तो एक गाली दे दिया। गाली देने के बाद वो घर वाला जो वो क्या बोलते प्रवक्ता था, तो उन्होंने भी गाली देना शुरू कर दिया। मज़े की बात यह है कि चैनल वालों ने उस प्रवक्ता का जो ऑडियो था उसको म्यूट कर दिया। तो वो सिर्फ हाथ हिला रहा था, मुंह हिला रहा था, जवान हिला रहा था, लेकिन उसका कुछ आवाज़ नहीं आ रहा था। तो ये देख के मेरे मन में एक ख्याल आया कि उसका जो बीवी बच्चा होगा वो क्या फील कर रहा होगा, वो भी देख रहा होगा। तो उसका बच्चा उसकी मम्मी को बोल रहा होगा कि मम्मी देखो ना, आज भी पापा जलील हो रहा है, इनको बोलो टीवी में नहीं जाने के लिए। क्योंकि देखो बच्चे लोगों का क्या है कि हम भी जब छोटे थे, तब जब हम हमारा पेरेंट्स के साथ हम मार्केट में जाते थे, बाज़ार में जाते थे कुछ खरीदने के लिए, अचानक कुछ चीज़ों का दाम दुकानदार ने जो बोल दिया था, अचानक हमारा पेरेंट्स क्या करते थे, उसका आधा बोल देते थे। तो हम भी शर्म शर्म से कभी कभी क्या बोलते हैं उसको, शर्म शर्म बोलूँगा या क्या, ऑकवर्ड होकर हम भी इधर उधर देखने लगते थे। ऐसे हम हाव भाव करते थे मानो कि हम इनके साथ नहीं है। तो वही मैंने सोचा कि इसका बच्चे का मन में क्या आता होगा, वो जब स्कूल में जाता होगा तो उसका भी हालत कैसा होगा।